Hi, this is Manisa. Welcome back to my YouTube channel. So friends, मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर, जो कि RBI की तरफ से ऑफिसर्स ग्रेड बी की वैकेंसी निकल कर आई है 2023 के लिए. सो हम लोग अभी उसी की नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें आपको पोस्ट एंड वैकेंसी कितनी है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एग्ज़ाम की पैटर्न क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल एंड लोकेशन के बारे में. सो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो RBI यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेंट्रलाइज बैंक है, जो कि इंडिया का एक सबसे बड़ा बैंक है. तो उसकी तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ चुकी है. इस वैकेंसी की जो अप्लाई डेट है, स्टार्टिंग डेट आपकी है 9 मई से, यानी कि ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 9 जून 2023 रहेगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट डेट आपके लिए 9 जुलाई 2023 होने वाला है, क्योंकि RBI ग्रेड बी का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको 9 जुलाई 2023 को रहेगा. सो अपने प्रिपरेशन को, एस्पिरेंट्स, आप अपने प्रिपरेशन की रफ्तार को बढ़ाएं ताकि आप अच्छे से कवर कर पाए पूरी सिलेबस को और आपका पेपर अच्छा जाए. सो अगर इस वैकेंसी की हम पोस्ट की बात करने वाले हैं तो इसमें आपको RBI ऑफिसर्स ग्रेड बी की पोस्ट मिलेगी. जनरल की मैं बात कर रही हूँ, RBI ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल की. इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 238 रहने वाला है. और वहीं अगर एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट जनरल के लिए रहने वाला है 21 to 30 ईयर्स. और वहीं आपको OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा. SC ST के लिए आपकी अगर बताऊँ तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा. इस फॉर्म के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका एलिजिबिलिटी रहेगा वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए. जनरल बच्चों के लिए 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में. वहीं अगर SC ST की बात करूँ तो उनको 50% होना चाहिए. इस एग्ज़ाम में आपका जो पैटर्न रहेगा वो आपका 3 मेजर फेज में एग्ज़ाम होता है. फर्स्ट आपका प्री होता है, सेकंड आपका मेंस होता है यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और थर्ड आपका इंटरव्यू रहता है. तो आपका जो फर्स्ट 2 स्टेज होता है वो आपका दोनों ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाता है. अगर मैं प्री एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होता है. इसमें आपके 200 टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं और आपका सेक्शन वाइज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है. इसमें 4 सब्जेक्ट का पेपर रहता है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड रीजनिंग की पेपर रहती है. तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो आपका रहता है जनरल अवेयरनेस का. आपके टोटल 25 मिनट्स का ये सेक्शन रहता है. इसमें आपको 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है. तो आपको 25 मिनट के अंदर ही वो 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. नेक्स्ट सेक्शन आपका क्वांट का रहता है. उसमें आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 30 रहता है क्वांट का. नेक्स्ट सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है. इसमें भी आपको टाइम रहता है 25 मिनट्स का और आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है वो आपका 30 क्वेश्चंस रहता है. फिर आपका जो फोर्थ और लास्ट सेक्शन होता है वो आपका रीजनिंग का रहता है. इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहता है और आपको टाइम 45 मिनट्स का रहता है. तो ये जो ओवरऑल आपका प्री का पेपर होता है वो 2 आवर का होता है. इसमें टोटल नंबर आप जैसे देख पाओगे कि 30 आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, 30 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, 30 जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, टोटल मिला के आपका 200 क्वेश्चंस रहेगा. देन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और आपका इंटरव्यू होता है लास्ट स्टेज पे. अगर इस आप जॉब प्रोफाइल की बात करो तो ये इंडिया का बहुत ही टॉप मस्ट आपको बैंक में एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े ऑफिसर का प्रोफाइल आपको दिया जाता है. इस जॉब का जो इन हैंड सैलरी होता है इस प्रोफाइल के लिए आपको
1 लाख प्लस आपका इन हैंड सैलरी रहता है। अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात करूँ तो ये आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेगा। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए ये 850 रुपीज़ रहेगा। वहीं अगर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन की बात करें तो उनके लिए बस ये 100 रुपीज़ रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी समझ चुके होंगे कि ये इंडिया का एकदम टॉप मोस्ट बैंक में बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। तो एस्पिरेंट्स, आप इसके लिए मन लगा के बहुत अच्छे से तैयारी करें, और अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलती हूँ आपसे फिर से एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, बाय बाय, टेक केयर।